मेहड़ में योम शहादत हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सिलसिले में सुन्नी राबता कौंसल तहसील मेहड़ की जानिब से हाफिज़ मंजूर अहमद चांडियो, हाफिज़ हुसैन अहमद सयाल और दीगर की निगरानी में रैली निकाली गई। मेहड़ से हमारे नुमाइंदे गुलाम हुसैन पनवर की रिपोर्ट। मेहड़ में योम शहादत हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सिलसिले में सुन्नी राबता कौंसल तहसील मेहड़ की जानिब से हाफिज़ मंजूर अहमद चांडियो, हाफिज़ हुसैन अहमद सयाल, मौलाना गुल मोहम्मद चांडियो, याहिया खान मज़ारी, नादिर हुसैन जानवरी, हकीम मोहम्मद सईद रिंद, मौलाना खलील अहमद चांडियो, मौलाना खालिद हुसैन रिंद, मौलाना महबूब अली चांडियो और दीगर की निगरानी में रैली निकाली गई, जो शहर के मुख्तलिफ रास्तों से होते हुए मेहड़ प्रेस क्लब पहुंची। इस मौके पर मुकर्ररीन ने कहा कि हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की इस्लाम के लिए बहुत बड़ी कुर्बानी है और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोहरे दामाद भी हैं। उनकी ज़िंदगी मुसलमानों के लिए मिशल राह है। इनकी योम शहादत के दिन पर हम हुकूमत वक्त सिंध हुकूमत पाकिस्तान से मुतालबा करते हैं कि 18 जुलहज को आम तातील का ऐलान किया जाए। जिस तरह पाकिस्तान में अलामा इकबाल बानी पाकिस्तान कायदे आज़म के योम वफात पर आम तातीलात का ऐलान करके सरकारी सतह पर मनाया जाता है, अवाम अहले सुन्नत का भी ये देरीना मुतालबा है कि 18 जुलहज को छुट्टी का ऐलान करके सरकारी सतह पर सरकारी अदारों में और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया प्रिंट मीडिया पर मनाया जाए। उन्होंने कहा कि हमारे इज़ला के अंदर हम हर वक्त हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि मुल्क दुश्मन अमन दुश्मन इस्लाम दुश्मनों पर कड़ी नज़र रखी जाए। मुल्क दुश्मनों अमन दुश्मनों का कोई मसलक मज़हब नहीं होता, इसलिए अगर कोई हसास दिनों में मुल्क के माहौल को ख़राब करने की कोशिश करे तो उनके खिलाफ बरवक्त कानूनी कार्रवाई की जाए ताकि मुसलमानों की दिल आज़ारी ना हो और मुकद्दसात की तोहीन भी ना हो, मुल्क पाकिस्तान का अमन भी ख़राब ना हो।